नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। राजकोट में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के शानदार प्रदर्शन ने मुकाबले को भारत के पाले से बाहर कर दिया। मैक्सवेल ने भारत के चार इम्पोर्टेंट विकेट चटकाए। उन्होंने फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित शर्मा का खुद गेंदबाजी करते हुए आश्चर्यचकित करने वाला कैच भी लपक लिया। इसके साथ मैक्सवेल ने बतौर गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे मुकाबले में मैक्सवेल बल्ले से खास प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। दरअसल मैक्सवेल ने अपने 10 ओवर के स्पेल में मात्र 40 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। भारत के विरुद्ध वनडे में बतौर गेंदबाज यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस दौरान उन्होंने 21वें ओवर में खुद गेंदबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा का कैच भी लिया, जो उस समय 81 रनों पर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके अलावा मैक्सवेल ने अपने स्पेल में सुंदर विराट कोहली को कैच आउट कराया और श्रेयस अय्यर को बोल्ट कर अर्धशतक बनाने से रोक दिया। मैक्सवेल का यह प्रदर्शन भारत के विरुद्ध किसी ऑस्ट्रेलिया स्पिनर को बेस्ट प्रदर्शनों में से एक है। इस सूची में मैक्सवेल दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि पहले नंबर पर टॉम होगन है, जिन्होंने 1984 में तिरुवनंतपुरम में 33 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। सक्रिय खिलाड़ियों में एडम जप्पा है इस लिस्ट में चौथे स्थान पर। उन्होंने इसी साल चेन्नई में 45 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। मैक्सवेल के लिए बतौर गेंदबाज वनडे फॉर्मेट में यह बेहतरीन वापसी है। इससे पहले उन्होंने साल 2015 में पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ 46 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अपना ही बेस्ट पीछे छोड़ते हुए मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ नया रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही वो वनडे में सबसे ज्यादा बार 4 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के चौथे स्पिनर बन गए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर शेन वॉर्न का नाम है, जिन्होंने कुल 13 बार यह कारनामा किया है। और भी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।